ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा कोसळल्याच्या घटनेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान सत्तेत भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वेसर्वा अजित पवार यांच्या आदेशाने उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मूकनिषेध आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी जिल्हाध्यक्ष भारत राजवानी, प्रदेश सरचिटणीस प्रवीण खरात, जिल्हा सरचिटणीस प्रकाश जाधव, शंकर दावानी, प्रकाश धडीजा, अमर हिरा, लक्ष्मण वजीरानी, बसवराज चिंचोले, सुभाष हटकर, सुनील सुखेजा, योगेश सदावर्ते, रोहित गमलाडू, सुधीर सूर्यवंशी, संजय मोरे, सचिन तिवारी आदी मान्यवर उपस्थित होते. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उल्हासनगर जिल्हा ने ये जो राजकोट में जो आदरणीय शिवाजी महाराज का स्टैचू की दुर्घटना हुई है उसके विरोध में आज हम यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं और हम चाहते हैं कि भाई जिस कॉन्ट्रेक्टर ने या जिस मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई है उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए. इसके लिए आज हम लोग ये आंदोलन पे मुख्य आंदोलन देखो सरकार ने या किसी का भी है उन्होंने अपना काम किया है तो उनको ये तो नहीं बोला गया कि भाई आप पुतले की क्वालिटी हल्का बनाओ और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको ये तो जिस हम चाहते हैं कि भाई जो जिसने ये जिसको काम आता नहीं है उसको देना नहीं चाहिए और इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ने अपना काम किया है. आप सत्ता में हो तभी भी इस प्रकार से सत्ता के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हो? हम सत्ता के खिलाफ नहीं है, सत्ता ने अपना काम किया है, गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, अधिकारी और जो कॉन्ट्रेक्टर है उनका जो मिली भगत होगी और उन लोगों को ही और उसमें जो करप्शन हुई है उसके विरोध में है तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए. इस तरह के काम उल्लासनगर शहर में ठेकेदारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तभी तो आप इस तरीके की कोई भी मांग नहीं की है? हमने हर टाइम मांग की है और हम उनके विरोध में कोर्ट में भी किधर किधर गए हुए हैं, चाहिए तो उसके डॉक्यूमेंट देते हैं हम आपको. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उल्हासनगर शहर जिल्ह्याच्या वतीनं जो मालवणमधील राजकोट या किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा दुर्घटनाग्रस्त झाला याबद्दल आम्ही सर्वप्रथम चिंता व्यक्त करतो आणि हा महाराजांचा पुतळा जो दुर्घटना झाला तो म्हणजे महाराष्ट्र धर्माचा एक प्रकारे अपमान झालेला आहे आणि त्या निषेधार्थ ज्या कोणी शिल्पकारांनी हे शिल्प बनवलं होतं त्याच्यावरती कठोर ती कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्या संबंधित जे जे काही अधिकारी यात सहभागी असतील त्यांच्यावर देखील कठोर कारवाई या शासनाकडून व्हावी याकरिता या ठिकाणी उल्हासनगर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही आजचं हे मूक आंदोलन केलं. या आंदोलनानंतर आंदोलकांनी भरत गंगोत्री यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार कार्यालय गाठत लवकरात लवकर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जुन्याच ठिकाणी भव्य आणि दिव्य उभारण्यात यावा अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. क्या विषय? ये विषय जो मालवण में सिंधुदुर्ग के यहाँ जो आदरणीय शिवाजी महाराज पुतला जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको फिर से नया और मजबूती से बनाने के लिए और जो मूर्तिकार है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो उसके लिए आज हम लोगों ने निवेदन दिया है. आज हमें राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उल्हासनगर शहर जिल्ह्याच्या वतीनं जे मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दुर्घटनाग्रस्त झाला याबद्दल आम्ही या छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे मूक आंदोलन केलं. यानंतर आम्ही आता उल्हासनगर तहसील कार्यालयामध्ये सन्माननीय तहसीलदार साहेबांना आम्ही पक्षाच्या वतीनं निवेदन दिलेलं आहे की जे कोणी या घटनेमध्ये सहभागी असतील मूर्तिकार असेल आणि संबंधित जे कोणी अधिकारी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाने
महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर चांगल्या दर्जाचं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक पुतळा त्या ठिकाणी उभा करावा अशी आम्ही तहसीलदार साहेबांना या निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, अस्ट्रोलॉजर अँड पामिस्ट पंडित टी एस भट्टर गुरुजी, अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है. हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं. मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं. श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को शत प्रतिशत संपूर्ण परिहार करते हैं. आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा. गुरुजी को आज ही आकर मिलिए. मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. खायम पत्ता, श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी एस भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई. मोबाइल नंबर 7709282966. ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.